तो दोस्तों एनाटॉमी की फाइनल एग्जाम के लिए हेड एंड नेक काफ़ी एक स्कोरिंग टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, लेकिन उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े क्योंकि पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते, तो हमारी उसी वीडियो सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन पर उसकी लिंक डाल दूंगा। देखते हैं इस पार्ट में बाकी क्वेश्चन को। तो पिछले टॉपिक में 10th चैप्टर मतलब कि बैक ऑफ नेक तक कर लिया था, अब यहाँ पे हम 11th चैप्टर मतलब कि वर्टिब्रल कैनाल से स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है फाइलम टर्मिनल कॉडाइक्विना और 3 मार्क्स में है लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। और दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा था कि जिस टॉपिक में जितने ज़्यादा प्लस है वो टॉपिक उतना ज़्यादा बार रिपीट भी हो चुका है। तो ये वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन जिनमें प्लस मार्क्स है वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्रैनियल कैविटी में तो उसमें क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 10 मार्क्स का ड्यूअल वेना साइनस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब लिखना है साइनस के बारे में, साइनस के टाइप बताने हैं, उन्हें क्लासीफाई करना है, उनका जो लोकेशन है, जैसे वो उनकी स्ट्रक्चर होती है, सब ये सब आया था इसमें। दूसरा फाक सेरेब्राई केवर्ना साइनस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको बताना पड़ेगा उसकी जो रिलेशन है, उसके जो अंदर के कंटेंट है। इसमें 3 मार्क्स में आता है क्रैनियल ड्यूअल फोल्ड्स, सुपीरियर सेजाइटल साइनस जो ऊपर से जाता है उसके बारे में बताना है, स्ट्रेट साइनस बताना है, पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई क्वेश्चन और सिग्मॉइड साइनस, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकते हैं। फिर कंटेंट ऑफ ऑर्बिट चैप्टर में देखें तो 10 मार्क्स से क्वेश्चन आता है एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, इसमें आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, फीचर्स उनका ऑरिजिन कहाँ से है, उनका इंसर्शन कहाँ है, सब आपको बताना पड़ेगा, वो उनका एक्शन है किस तरीके से, वो आई को करती है रोटेट, कौन सी करती है, एवर्जन कौन सा करती है। फिर 5 मार्क्स वालों में आता है रेक्टाइल मसल्स, सिलियर गैंग्लियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो बार चुका है। और फिर 3 मार्क्स वाले में आता है इसमें लेटरल रेक्टाइल मसल, सुपीरियर रेक्टाइल मसल, इंपीरियर रेक्टाइल मसल और लेवेटर पैल्पेब्रे। तो फिर देखा जाए तो इस चैप्टर में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मसल्स है एक्स्ट्राकुलर। बाद में देखते हैं माउथ एंड फेरिंक्स में, इसमें आता है पहले मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बतानी है चीज़ें, सप्लाई, उनका ऑरिजिन, इंसर्शन, टॉन्सिल्स बताना है फेरिंक्स के। फिर 5 मार्क्स में आता है पैलेटाइन टॉन्सिल, मसल्स ऑफ फेरिंक्स, नेजो फेरिंक्स, कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंक्स, ये कंस्ट्रक्टर वैसे मसल्स ऑफ फेरिंक्स में आ जाएंगे। फिर 3 मार्क्स वाले में आता है वॉल्डर्स रिंग, क्लियर डिस्टेंस और टॉन्सिलर बेड। ये नेक्स्ट चैप्टर है नोज एंड पैरानेजल एयर साइनस, इसमें 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं नेजल सेप्टम, लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, मिडल मियाटस ऑफ नोज, मैक्सिलरी एयर साइनस और टेरिकोपेल्टन गैंग्लियन। इसमें जो नेजल सेप्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इसकी स्ट्रक्चर बतानी है, इसके कंपोनेंट, इसकी ब्लड सप्लाई बतानी है, इसकी नर्व सप्लाई बतानी है। मैक्सिलरी एयर साइनस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स में मिडल मियाटस की जो ओपनिंग है ये क्वेश्चन भी आता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है लिरिक्स, इसमें आप देख रहे हो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 10 मार्क्स में आता है इसमें पहला कार्टिलेज और मसल्स ऑफ लिरिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कार्टिलेज है इसमें, पेयर्ड अनपेयर्ड सबका आपको बताना है, उसकी मसल्स के बारे में बताना है, आपस में जो उनको कनेक्ट करते हैं, टेंडन्स है, सारे स्ट्रक्चर में आपको इसमें डिस्कस करना है। फिर आता है इंट्रिंसिक मसल ऑफ लिरिक्स, उसके बाद 5 मार्क्स में आते हैं थायराइड कार्टिलेज, कैविटी ऑफ लिरिक्स, वोकल कॉर्ड्स एंड फोल्ड्स। 3 मार्क्स में क्वेश्चन इसमें आते हैं एपिग्लोटिस आता है, इनलेट ऑफ लैरिंग्स पूछते हैं आपसे, पायरिफॉर्म फोसा, पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड और साथ में लैरिंग्स की नर्व सप्लाई। नेक्स्ट चैप्टर आता है टंग, इसमें क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन जो आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में टंग, अब मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है क्योंकि इसमें सारे बाकी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। जिन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी गई है, वो है इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज डेवलपमेंट, इसकी नर्व सप्लाई, इसके अलावा बाकी पार्ट भी आपको बताना ही है, इसकी ब्लड सप्लाई, इसका जो पार्ट है किन पार्टों में डिवाइड है, ये कौन से इसके रिसेप्टर से टेस्ट पर आपको बतानी है, लेकिन ये चीज़ वो है जो बार बार पूछ रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है ईयर, ईयर में आपके क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर, मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर, लैटरल वॉल ऑफ मिडल ईयर, मतलब कुल मिला के वॉल्स आपको पढ़नी है, मेनली जो मिडल ईयर की वॉल है, और फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक कैविटी और जो मिडल ईयर के कंटेंट है वो सब 3 मार्क्स में। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा आई, इसमें क्वेश्चन दो ही है, 5 मार्क्स में आता है कॉर्निया, 3 मार्क्स में आता है रेटिना, रेटिना में भी स्पेसिफिक बोल तो रेटिना की लेयर्स पूछी जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हेड एंड नेक सेशन के चैप्टर्स के अंदर, इनकी वजह से आई होप आपको ज़्यादा अपने ऊपर लोड नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पूरी बुक आप पढ़ने बैठ जाओ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसा ही अगर मेडिकल स्टडीज से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाय द वे मैंने क्रैनियल नर्व्स के ऊपर वीडियो बनाई है, कैसे उनको इजी वे में पढ़ना है, कैसे उनको याद करना है, उसको देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। थैंक यू।